सुप्रभात, आज मैं आप सबके सामने राधा नाचीज की एक कहानी जो कि बोध प्रसंग है उसके साथ उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है दोष नहीं हमेशा गुण ढूंढें। भगवान श्री कृष्ण सभी को समान रूप से प्रेम करते थे। वे कभी भी किसी का दोष नहीं देखते थे। उनका विचार था कि दूसरों के दोष देखने से मन मैला होता है, मैले मन से तो जीवन में शांति नहीं आ सकती, इसलिए दूसरों में दोष देखना एक विकार है। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि श्री कृष्ण के इस गुण की परीक्षा ली जाए। वे सुबह सुबह द्वारिका के राजपथ पर एक रोगी और दुर्गंध फैलाने वाले श्वान के रूप में बैठ गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण प्रातः भ्रमण हेतु निकले। आने जाने वाले सभी लोग सोच रहे थे कि द्वारिकाधीश की दृष्टि जब इस श्वान पर पड़ेगी तो आफत ही आ जाएगी, क्योंकि उन्हें सफाई अत्यंत पसंद है। प्रातः काल की शुद्ध वायु उसकी वजह से अस्वच्छ हो गई थी। श्री कृष्ण जैसे जैसे उस श्वान के समीप आ रहे थे, सभी की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वे उसके समीप आए तो पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए ना, इस अधम ने चारों ओर कैसी दुर्गंध फैला दी है। जरूर इसने पूर्व जन्म में कई पाप किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने इसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। जरा ध्यान से देखो, इस श्वान के दांत कितने सफेद और चमकीले हैं। इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई पुण्य कर्म किया होगा जिससे इसको इतने सुंदर दांत मिले हैं। श्री कृष्ण का जवाब सुनकर नारद श्वान का शरीर छोड़कर प्रकट हुए और श्री कृष्ण को अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम किया। अब नारद जान गए थे कि एक बीमार श्वान में भी गुण खोज लेने की क्षमता ने ही श्री कृष्ण को इतना बड़ा निष्काम कर्मयोगी बनाया है। उनके इस भाव ने बताया कि आलोचना की दृष्टि डालेंगे तो निंदा के बिंदु ही दिखेंगे, करुणा की दृष्टि होगी तो अच्छे गुण दिखेंगे। निंदा करने वालों को शांति नहीं मिलती। हम सबके प्रति गुणग्राही दृष्टि रखें, इससे मन सदा शांत रहता है। आशा है आपको ये बोध प्रसंग बेहद पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। आपका दिन मंगलमय हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।